सिमरिया से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केपी त्रिपाठी ने किया सघन जनसंपर्क। चुनाव के अंतिम दिनों में प्रत्याशी लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं, साथ ही उनके निराकरण की बात भी कर रहे हैं। रविवार को सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केपी त्रिपाठी ने सिमरिया के उत्तरी इलाके में सघन जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने अपनी बातें लोगों के बीच रखने के साथ लोगों की समस्याएं भी जानने की कोशिश की। सिमरिया के उत्तरी क्षेत्र का प्रमुख मुद्दा पानी की समस्या है, जिसका निराकरण कर पानी पहुंचाने की बात केपी त्रिपाठी के द्वारा की गई। के स्थान पर कैसे जाएगा, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है। सड़कों का जाल, नहरों का जाल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कैसे अपना मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से विकसित राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। 24 घंटे बिजली पानी सड़क की ऐसी समुचित व्यवस्था हमारी सरकार ने कराई। उसके साथ साथ जब तक हमारे समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को लाकर सबकी बराबरी पर खड़ा कर देना ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख उद्देश्यों में से है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे समाज के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी सबकी बराबरी पर खड़ा हो जाएगा, तभी हमारा भारत विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचेगा। भारत माता की जय। और इसी कड़ी में नहरों का जाल, सड़कों का जाल, 24 घंटे बिजली देने के साथ साथ हितग्राही मूलक योजनाओं में ऐसी क्रांतिकारी योजनाएं बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। एक गरीब का सपना होता है, हर व्यक्ति का सपना होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कि अपने जीवन में एक बार अपना घरौंदा तैयार कर ले। होता है कि नहीं होता? ऐसे सपने को जीने का काम यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, कि 2022 तक किसी भी गरीब के सर पर कच्ची छत नहीं रहने देना है, नहीं रहने देना है, नहीं रहने देना है। ये चुनाव जो है विकास के नाम पर सिमरिया क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है, इसलिए चुनाव में कोई भी मुकाबले में नहीं दिख रहा है। और जो जनता के बीच में आप भी देख रहे हैं, जिस तरह का उत्साह है और जिस तरह का माहौल दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी यहां से बहुत अच्छे मतों से जीतने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं केपी त्रिपाठी जी, सिमरिया से चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इस समय हम दुबहा गाँव में हैं। यहाँ पर की मान्यता, हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है, कहा जाता है यहाँ पर की मान्यता जो उस मंदिर में इस गांव में आता है उसकी मान्यता जरूर पूरी होती है। शायद आज आपकी जो मान्यता है वो पूरी हो। किन मुद्दों को लेकर प्रचार के अंतिम चरण चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? सिमरिया क्षेत्र की जनता जनार्दन की सेवा ही मेरी मान्यता है। सिमरिया क्षेत्र में कई सारे मुद्दे हैं जिन पर ये चुनाव लड़ा जाना है। ये चुनाव सिमरिया के भविष्य को तय करने वाला चुनाव है। सिमरिया क्षेत्र में जहां हम खड़े हैं दुबहा में, ये सिमरिया बेल्ट के उत्तरी क्षेत्र आता है, जहां की पानी की बहुत बड़ी समस्या है। यहां के गांव-गांव में, गांव-गांव के खेतों-खेतों तक पानी पहुंचाना ही प्राथमिक लक्ष्य हो, मेरा प्राथमिक लक्ष्य है। और इसके साथ ही जरमोहरा जलाशय भरते हुए या लिफ्ट इरिगेशन करा के जैसे भी आएगा, इस क्षेत्र में हमको पानी देना हमारे प्राथमिक लक्ष्य है। इसी के साथ साथ सिमरिया को एक बड़े जंक्शन के रूप में, बिग जंक्शन के रूप में विकसित करना, सिमरिया को एक पर्यटक हब के रूप में बसामन मामा, पियामन, बस धारकुंडी, पूर्वा का फाल और उपकरणी मैनहा के जंगल, बहुत हमारे पास प्राकृतिक संभावनाएँ हैं पर्यटन हब के रूप में, एक दुग्ध उत्पादक हब के रूप में विकसित करना, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हब के रूप में विकसित करना, ये प्रमुख हमारे मुद्दे हैं। इसके साथ साथ जो नदियाँ निकलती हैं उनमें गाँव को आपस में लिंक कराना, जो भी
गांव की सड़कें बची हैं उनका निर्माण कराना, ये बहुत सारे मुद्दे हैं, आईटीआई की स्थापना करना, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको बहाल करना, और सिमरिया के अंदर जो शंकर जी का तालाब है, ऐतिहासिक तालाब, उस तालाब का सुंदरीकरण कराना, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिन पर सिमरिया में चुनाव लड़ा जाए। यहाँ पर उद्योग धंधों का बिल्कुल मंदिर का रोड है, उद्योग धंधों को लेके और जैसे आपने कहा सड़कें, तो कहाँ से कहाँ जोड़ देंगे, तो किस तरीके से यहाँ विकास करेंगे? उद्योग का सवाल है, रीवा जिले में सिर्फ सिमरिया विधानसभा में ही दो उद्योग स्थापित हैं, सीमेंट कारखाने दो मनकुइया क्षेत्र में आते हैं, और सड़कों का जहां तक आपने पूछा है तो रीवा से बाया बीड़ा सिमरिया होते हुए धारकुड़ी होते हुए चित्रकूट, जिससे रीवा से चित्रकूट जाने वाला व्यक्ति सिमरिया से गुजरे, सतना से सिमरिया होते हुए इलाहाबाद, जिससे सतना से इलाहाबाद जाने वाला सिमरिया से गुजरे, और सतना से अपने सिमरिया से मानिकपुर जोड़ना, सिमरिया से भीमसिंहपुर जोड़ना, इससे एक बड़े जंक्शन के रूप में सिमरिया हमारा शहर जो है नगर है वो विकसित हो जाएगा। और जो उत्तरी क्षेत्र है इसमें जो पानी गांव-गांव खेतों तक पहुँचेगा तो किसानों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और जब पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो हमारे सिमरिया में जो है मार्केट इकोनॉमिक ग्रो करेगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में अगर चौथी बार सरकार बनती है और आपकी उसमें भागीदारी होती है, तो पहली ऐसी कौन सी प्रायोरिटी होगी जिसको सिमरिया को आप पहली सौगात क्या देंगे? सिमरिया के उत्तरी क्षेत्र सहित दक्षिणी क्षेत्र के जो भी छोटे मोटे गांव बाकी हैं 10-20%, और उत्तरी क्षेत्र तो 100%, प्राथमिक लक्ष्य केवल और केवल पानी पहुँचाना पहले है, पहला लक्ष्य है गाँव के खेत खेत तक पानी पहुँचाना। ये थे हमारे साथ सिमरिया क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केपी त्रिपाठी जी, जिनका साफ तौर से कहना था कि हमारी चौथी बार अगर सरकार बनती है तो सिमरिया के उत्तरी इलाके में पानी का बिल्कुल अभाव है, पहली प्राथमिकता उस क्षेत्र में पानी पहुंचाने की होगी। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी।